झूठों की सरकार ये है मक्कार। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की पुष्कर सिंह धामी वाली नाना, त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली नाना, तीरथ सिंह रावत वाली नाना, अजय भट्ट वाली नाना, बंसीधर भगत वाली नाना, अभी कौन है इनके अध्यक्ष? भगवान ही इनका मालिक है। अपने आप को रोजगार देते हैं, बच्चों का रोजगार तो दे दो। जो एग्जाम आपने कोऑपरेटिव बैंक का करवाया उसमें 14-15 मार्च को फिजिकल हुआ, मगर आपके विधायक हरिद्वार वालों की शिकायत पर 16 मार्च को इसको रोक दिया गया। मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत TSR 1 खोलते हैं और TSR 2 यानी कि तीरथ सिंह रावत आते हैं और जाते हैं और बीच में एग्जाम को रोक देते हैं। तो दोबारा शुरू कराने की तो कहीं बात ही नहीं है। अब धन सिंह रावत से चमोली वाले बच्चे जाके मिलते हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने रोक लगा रखी है, उनसे बात करो, अगर वो खोल देंगे तो मैं भर्ती कर दूंगा। भाई तो आपको मंत्री क्यों बनाया? आप बस वो ऐप बनाएंगे जिससे बारिश कम और ज्यादा करेंगे, आगे और पीछे करेंगे और कार्य कुछ नहीं करेंगे, बस अपनी सीट ढूंढते रहेंगे रायपुर में। तो भाई धन सिंह रावत जी, आपको तो हमने देख लिया, कार्य आपसे कुछ होता नहीं और ये 412 पदों पे लड़कियों ने भी अप्लाई किया है, आप कितनी नाइंसाफी करेंगे इनके साथ? 1000 रुपए खर्च करने वाले ये बच्चे, मुझे बताइए इतने गरीब घरों के हैं, 750 रुपए का ड्राफ्ट फॉर्म, 50 रुपए का, 22 रुपए लगाकर टिकट भेजा गया एनवेलप, उसके बाद स्पीड पोस्ट से ही भेजना, कहीं पे जमा भी नहीं कर सकते, ये पैसा रिफंड नहीं करेंगे, जो रिजेक्ट हो गए फॉर्म वो उसका पैसा, वो डिमांड ड्राफ्ट भी खा गए, भाई कितना खाओगे, शर्म नहीं आती? अपने एडवर्टाइजमेंट लगाओगे, पूरे शहर को पूरे राज्य को पाट डालोगे, क्योंकि झूठी मक्कार सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, एक नैरेटिव बना रहे हैं कि मैं बहुत सारी नौकरियां खोल रहा हूं। मेरे उत्तराखंड के प्यारे वासियों, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, ये सरकार मक्कार है, इसे तो निकालेंगे ही आप, मगर आईना दिखाइए, अपने अंदर के डर को खत्म करिए और बताइए इस सरकार को कि ये केवल मक्कारी करते हैं मगर आप इन्हें पहचानते हैं। आवाज उठाइए, आवाज को बुलंद करिए और बताइए इस सरकार को कि आपके जुमलेबाजों से हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम जानते हैं कि आप झूठे और मक्कारों की है सरकार, हमारे बच्चों को नौकरी दो, कोऑपरेटिव बैंक का इम्तिहान करवाओ।